नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। हीरो मोटोकॉर्प देश में ऑटो सेक्टर का एक बड़ा नाम। आपने भी सबसे ज्यादा हीरो कंपनी की बाइक या स्कूटी को सड़क पर सरपट दौड़ते जरूर देखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प देश की सबसे बड़ी दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी है। लेकिन बुधवार को इस कंपनी का नाम तब सुर्खियों में आ गया जब आयकर विभाग ने इसके चेयरमैन पवन मुंजाल के यहाँ छापेमारी की। हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ टैक्स चोरी की जांच के तहत इस तलाशी में प्रमोटर पवन मुंजाल के दफ्तर और आवास के साथ ही कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से जुड़े परिसर भी शामिल है। कौन है पवन मुंजाल और कैसे बनी हीरो मोटोकॉर्प एक मार्केट लीडर, बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि मौजूदा वक्त में हीरो मोटोकॉर्प दुनिया के मार्केट में कहां स्टैंड करती है। पवन मुंजाल के नेतृत्व में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की एशिया से लेकर अफ्रीका और दक्षिण मध्य अमेरिका तक 40 देशों में मौजूदगी है। एक कैलेंडर वर्ष में यूनिट वॉल्यूम की बिक्री के मामले में हीरो मोटोकॉर्प 2001 में दुनिया की सबसे बड़ी दो पहिया निर्माता बन गई थी और लगातार बीते 20 सालों से उसने इस खिताब को बरकरार रखा है। अब तक इस कंपनी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100 मिलियन से ज्यादा यूनिट की बिक्री की है। तो चलिए अब बात करते हैं पवन मुंजाल की। पवन मुंजाल हीरो ग्रुप के संस्थापक दिवंगत बृजमोहन लाल मुंजाल के बेटे हैं, जिनका 2015 में 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। पवन अब मोटरसाइकिल फ्लैगशिप हीरो मोटोकॉर्प चलाते हैं। 2011 में जापान की कंपनी होंडा से अलग होने के बाद पवन ने कोलंबिया और बांग्लादेश में कारखानों के वैश्विक विस्तार का नेतृत्व किया। जयपुर में भी कंपनी का एक रिसर्च सेंटर है जिसमें 1000 इंजीनियर नियुक्त हैं। साथ ही जर्मनी में भी कंपनी का एक शोध केंद्र है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान वाहनों की बिक्री में गिरावट आई थी, हालांकि बाद में ग्रामीण इलाकों में तेजी से दो पहिया वाहनों की बिक्री पूर्व महामारी के स्तर के करीब लौट आई है। तो ये थी हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल और हीरो मोटोकॉर्प से जुड़ी जानकारी। हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज रूम पोस्ट पर। नमस्कार।